हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम के काजोल्स किचन। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी, जिसे खाकर आपका मन खुश हो जाएगा। दोस्तों, आपने काली मसूर की दाल तो कई बार बनाई होगी और खाई भी होगी, बट एक बार इस तरीके से ट्राई करेंगे ना तो ये आपकी फेवरेट दाल हो जाएगी। फ्रेंड्स, काली मसूर तो अधिकतर सभी को पसंद आती है, बट इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो इसका स्वाद आप कभी भूलेंगे नहीं। सच में, अगर आपने एक बार इस तरीके से दाल बना ली ना तो इसके आगे आपको सारी दालें फीकी लगेंगी, ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। फ्रेंड्स, ये दाल यूनिक और टेस्टी तो है ही, और साथ में ये डबल प्रोटीन से भरपूर है क्योंकि इसमें दाल और एग दोनों हमने शामिल किए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, तड़के के लिए मैंने हाफ साइज की प्याज को चॉप कर लिया है और 3 से 4 तेज पत्ते लिए हैं, 2 हरी मिर्च ली जिसे मैंने बीच से फाड़ लिया है, और 2 जावित्री के फूल लिए हैं और 2 स्टार फूल लिए हैं। इन सभी से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, एक अच्छी सी स्मेल आएगी। और 4 से 5 काली मिर्च ली है और 1/2 चम्मच जीरा। और ग्रेवी के लिए कुछ मसाले मैंने ग्राइंड करके रखे हैं। इसमें मैंने 1 बड़ी साइज़ की प्याज ली है और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 5 से 6 काली मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 इंच अदरक। इन सभी को मैंने एक साथ अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़े साइज़ का देसी टमाटर। अगर आपको दाल थोड़ी खट्टी बनानी है तो आप 2 टमाटर यूज कर सकते हैं। और सूखे मसालों में मैंने 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 फुल चम्मच धनिया पाउडर और 1 फुल चम्मच चिकन मसाला। चिकन मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चिकन मसाला नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप गर्म मसाला डाल लें। चिकन मसाला आप स्किप कर सकते हैं, बट इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। मसालों में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। आप इस तरीके से कोई भी दाल या सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दाल का मेजरमेंट। यहाँ पे मैंने 1 पाव दाल ली है और इसमें 1 लीटर पानी ऐड किया है। अब इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड कर देंगे। फ्लेवर के लिए बस इसमें ढक्कन लगाकर हम इसे 7 सीटी आने तक फुल फ्लेम पर पका लेंगे। जब तक दाल बॉयल हो रही है, इधर मैंने एग भी बॉयल कर लिए हैं। ये देखिए, मैंने एग्स को बॉयल करके इनका छिलका निकाल दिया है और बीच में इसमें जीरा लगा दिया है, ये देखिए, ताकि फ्राई करते टाइम एग्स हमारे फटे नहीं और इससे ग्रेवी भी अंदर तक चली जाएगी। यहाँ पे मैंने 6 अंडे लिए हैं। आपको अगर ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो एग्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम इन्हें कर लेंगे फ्राई। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल हीट कर लिया है, इसे मैंने ज़्यादा हीट नहीं किया है। नहीं तो होता क्या ना, अगर हम ज़्यादा हीट कर लेते हैं ऑयल और एग डालते हैं तो ये तुरंत फटने लगते हैं और नीचे नीचे से चिपक भी जाते हैं। इसलिए हमें ऑयल ज़्यादा हीट करके नहीं रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें 1 से 2 मिनट ऐसे फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, बिना फटे हमारे एग्स बहुत ही आसानी से फ्राई हो चुके हैं। और जब इस तरीके से इसकी स्किन गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसे हमें निकाल लेना है। और जो ऑयल बचा हुआ है इसमें अब हम खड़े मसाले ऐड कर देंगे, तेज पत्ते, काली मिर्च, जीरा और ये स्टार फूल, जावित्री, और इन सभी को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे 1 मिनट तक। फिर इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई प्याज और हरी मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये देखिए, हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसमें से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम जिंजर गार्लिक और अनियन पेस्ट जो हमने ग्राइंड करके रखा था, इसे भी अच्छे से भून लेंगे जब तक ये सुनहरा ना हो जाए, जिससे कि हमारी दाल का फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा आएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे मसालों का पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ था, ये देखिए एकदम थिक हो चुके हैं मसाले, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से मसालों का पेस्ट बनाकर आप कोई भी सब्जी या दाल बनाएंगे ना तो मसाले नीचे से चिपकेंगे भी नहीं और बहुत ही अच्छे से भुन भी जाएंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम चॉप किए हुए टमाटर। फ्रेंड्स, टमाटर आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। बस हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अगर लगे कि मसाले नीचे से चिपक रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, जिससे कि मसाले बहुत ही जल्दी पक जाएंगे और नीचे से जलेंगे भी नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं और यहाँ पे हमारी दाल भी बॉईल हो चुकी है। दाल हमारी बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुकी है, एकदम बढ़िया पक चुकी है, गाढ़ी हो गई है। दाल को बॉईल करते टाइम हमने ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया था। अब इसमें ऐड कर देंगे हम दाल, हमारे मसाले अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए, बॉईल करते टाइम पानी कम ही ऐड करें। दाल जब फ्राई हो जाए तो आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा ऐड कर लें, जैसे आपको बनानी है पतली या गाढ़ी। बट फ्रेंड्स, मैं थोड़ी गाढ़ी दाल बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं कम पानी ऐड करूँगी,
जैसे होटलों की दाल होती है ना गाढ़ी, एकदम वैसी ही थिकनेस रखूंगी मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टोटल 2.5 गिलास पानी ऐड किया है। आप इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसमें डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पे 1.5 छोटी चम्मच नमक ऐड किया है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे अब करीब 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने तक पका लेंगे ताकि दाल और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए। और बस अब इसमें ऐड कर देंगे हम फ्राई किए हुए एग्स, ये देखिए। और अब इसे करीब 5 मिनट तक हम ढककर पका लेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट बाद हमारी दाल कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरीके से दाल खाएंगे ना, तो आप हमेशा ऐसी ही दाल खाना पसंद करेंगे और सारी दालों का टेस्ट आपको एकदम फीका लगेगा इसके आगे। सो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये इजी, टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचेगी। और हाँ, रेसिपी ट्राई करने के बाद फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।